सामने सामने देख भाई, कितने लोग हैं पीछा कर रहे। अगले बाबा अगले आगे सामने सामने ऊपर चढ़े थे, ऊपर चढ़े थे भाई। हाथ में ले गया भाई, कोई नहीं है, गाड़ी उनके पास है। फोकस रख दीपक, फोकस रख, इनको एक एक को पकड़ना है, एक एक को पकड़। जूम कर, तो जूम करके रख, जूम करके रख भाई। लट है उनके पास, जूम करके। जय हिंद जय श्री राम। मैं आपका भाई सूर्या एक ऐसी लोकेशन पे जा रहा हूँ भाई जहाँ पे कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब कुछ भी हो सकता है, मीन्स यहाँ पे ऐसी लोकेशन जो है उस जगह पे बताया जाता है कि भाई अंडा गैंग, आप लोगों ने सुना होगा भाई, अंडा गैंग जो है वो कार पे अटैक करती है, उसके बाद में जो है जो कार के अंदर होते हैं उनको लूटती है। इस लोकेशन पे हम जाने वाले हैं और इस लोकेशन के बारे में पूरी हकीकत जानेंगे। अगर वो लुटेरे हैं या फिर गाँव वाले हैं, जो भी है, उनको सबको जानना ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ मेरे साथ नहीं कई लोगों के साथ में ये सारी वारदात हो चुकी है, और ऐसी वारदात को अंजाम देने वालों को हम पकड़ना चाहते हैं। अगर नहीं पकड़ पाए ना भाई, शर्मनाक बात होगी ये, पर इनको पकड़ के रहेंगे चाहे कुछ हो जाए भाई, हमारी ज़िंदगी दाव पे लग जाएगी वहाँ पे, उस जगह पे जाने के बाद। इस कार में सिर्फ मैं हूँ और मेरे साथ में दीपक भाई है, जो कि साथ देने वाले आगे तक। फटाफट से बैठ जाओ कार में और चलते हैं आगे तक। है ना, पूरी रोड सुनसान है। दीपक सामने फोकस है पूरा। भाई भाई भाई, ओ तेरी, ये क्या है भाई, सामने कुछ हो रहा है। जूम कर जूम कर जूम कर जूम कर दीपक, जूम कर जूम कर जूम कर कर 1x पे रखियो, ठीक है, कैमरा है ना जूम पे रखियो, ठीक है, ठीक है बाबा। कुछ भी अटैक होता है ना तो पूरा ध्यान रहेगा एटलीस्ट अपने को, कि है ना पूरी रास्ता, पूरा रास्ता सुनसान है और बुरी तरह से अपन संभाल भी नहीं सकते, ये भी सोच लेना। ये क्या है सामने भाई, कोई लेटा मेरे को यहाँ पे ना और भी कोई चीज देखी नजर आई थी भाई, कोई लेटा हुआ है ऐसा, और कोई भागता हुआ नजर आया है इसके पास से। हाँ मेरे को भी नजर आया है, मैं गाड़ी पीछे ले रहा हूँ। अरे तू चढ़ा दे, छोड़, नहीं नहीं, नहीं, नहीं। बाबा ये कोई इंसान हुआ तो भाई उसके पैर में टूट जाएंगे, सीधी सी बात है। सूर्य हमारी बात सुन। हाँ? देख अगर आप इतना सोचेंगे ना बाबा, नहीं इतना सोचेंगे, लेकिन हम ना पूरी लोकेशन के बारे में जांच पड़ताल करके फिर आए भाई। अंडा गैंग जो है ना वो अपनी पूरी लगा करके उसके बाद में आती है, और उसके बाद एक बार चेक करा दे दीपक पूरी गाड़ी में, अपन सिर्फ हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं है, कोई नहीं। ये मैं चेक करा रहा हूँ क्यों, इसलिए क्योंकि आप लोगों को विश्वास नहीं होता कि भाई सिर्फ दो लोग अकेले इस जगह लोकेशन पे जा सकते हो क्या, पर हम दोनों ना भाई रिस्क लेकर के आ रहे हैं इस जगह पे। हम दोनों को पता है हमारे साथ क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। हलचल महसूस हो रही है, कैमरा सामने रख दीपक, कुछ भी हो जाए कैमरा मेरे पे आए नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैमरा सामने फोकस रखना और उन चीजों के बारे में पता करना, कुछ भी हो जाए चाहे भाई, वही तो वही चीज करना है। कोई बंदा सामने लेटा हुआ है, बिल्कुल मेरी बात सुन, मैं थोड़ा पीछे लेता हूँ, कोशिश करूंगा इसको बचा के निकलने की, अगर बचा के निकल पाया तो ठीक, नहीं तो ऊपर से निकाल लूंगा, सीधी सी बात है। तो मैं बोलता हूं ऊपर से भाई, जो होगा वो अपने अपने साथ में होगा, वो देखा जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। जय सिया राम, जय सिया राम। ये क्यों मारा, अंडे मारे, अंडे गाड़ी में, गाड़ी में अंडे मारे, गाड़ी में अंडे मारे भाई, बिल्कुल अंडे मारे, सामने दिख रहा है, सीधी सी बात है, और हमारे ऊपर अटैक हुआ भाई, दिख रहा है नहीं दिख रहा, वो बात की बात है, दिख रहा अटैक हुआ अपने ऊपर भाई। कुछ भी जाए मैं गाड़ी पीछे लूंगा वापस उनके पास में, क्योंकि जब तक मैं पकड़ूंगा नहीं तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं इन सारी चीजों को, बाहर में जाए सारी चीजें, मैं गाड़ी घुमा, गाड़ी घुमा पास लूंगा, कुछ भी हो जाए भाई मेरे साथ में, कुछ भी हो जाए मैं समझूंगा इस चीज को, लेकिन वो सामने अगर अंडे बंडे कुछ भी मारे ना भाई, चारों तरफ भाई यार मारे भाई, चारों तरफ मारे, कार नहीं होती ना भाई हम सेफ नहीं होते अभी, सीधी सी बात बोल रहा हूँ, अगर ये कार है तो हम सेफ है, सीधी सी बात है भाई। राम से बाबा पीछे अड़िए गाड़ी भाई, अड़िए कोई दिक्कत नहीं, पर वो सामने है भाई, अड़िए बाबा, मैं पीछे लूंगा गाड़ी वापस, बाबा चढ़ा दियो, दिखे क्या सामने, बिल्कुल चढ़े बाबा, बिल्कुल बिल्कुल आए गाड़ी पे चढ़े वो भाई, गाड़ी में आए, कैमरे में आए ना भाई, सीधी सी बात है, मैं बैंड बजा के रख दूंगा, सीधी सी बात है इनकी, मैं नहीं छोड़ने वाला इनको भाई, इतना उधर
सामने 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 देख भाई कितने लोग है पीछा कर रहे। अगले बाबा अगले अगले भाई ये पीछा छोड़ ही दे रहे भाई। ऊपर चढ़ दे भाई हाथ में लट ले रहे। ऊपर चढ़ा दे बाबा सकल निकाल छोड़ूंगा नहीं बिल्कुल नहीं मैं इनको सिर्फ जाले इनको जाले 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 दीपक जाले सारा दिक्कत नहीं बाबा जाले लड़ेंगे लड़ेंगे आखिरी दम तक लड़ेंगे लड़के रहूंगा इनको कहां सारे आ जाओ सारे के सारे आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है आ जाओ सामने सामने आओ सामने आओ चुप रहे इनको बताए कैमरे चालू है इनको बताए सामने आओ भाई सामने आओ दीपक कैमरे शीशे चढ़ा कर रख शीशे चढ़ा कर रख शीशा डाउन करना ये तो डरे भाई 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 किसी पे चढ़ी है गाड़ी किसी पे चढ़ी है बाबा भाई गाड़ी में नुकसान हो रहा है बार बार कोई दिक्कत नहीं है तो भुगतूंगा उस सारे नुकसान ऊपर चढ़ा इनके कोई नहीं है बाबा कोई नहीं है पीछे कोई नहीं है आ जाए तो अच्छी बात है अगर नीचे आ गया ना बहुत बड़ी बात है बाबा मार के निकलेंगे संभाल लूंगा नीचे आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है संभाल लूंगा मैं लेकिन गाड़ी में जो हो रहा है ना बाबा बाबा आराम से बोले बॉडी पीछे में शीशा गया बाबा भाई नुकसान हो रहा है हमारी गाड़ी में पर सिर्फ आप लोगों के लिए ये सारा नुकसान बर्दाश्त कर रहे हम ना कि किसी और के लिए बाबा शीशा गया इसमें देखा बाबा शीशा गया कहाँ गए सारे के सारे कैमरे के सामने सब गायब हो जाते बाबा कैमरे में सब गायब हो जाते बाबा जो गया होगा जो नुकसान भाग रहे गाड़ी साले भाग रहे गाड़ी है उनके पास वो देखो गाड़ी है उनके पास फोकस रख दीपक फोकस रख इनको एक एक को पकड़ना है एक एक को पकड़ना है पिस्टल कहाँ मेरी पिस्टल निकालो रुक मेरे पास पिस्टल है मेरे पास पिस्टल है भाई मैं निकलता हूँ ना सीधी सी बात है मैं निकलता हूँ घर से सीधी सी बात है अगर मैं निकलता हूँ ना तो मेरे पास है ना सारी सुविधाएं होती है बिना किसी चीज के मैं ऐसे नहीं निकलता हूँ सीधी सी बात है तो होगा ना देखा जाएगा संभालने की हिम्मत रखता हूँ अपने अंदर पिस्टल मत दिखा पुलिस केस फिर से होगा फिर जाना पड़ेगा थाना दो बार जेल धक्के आ चुका हूँ दो बार जेल आ चुका हूँ सिर्फ इन चक्रों के अंदर में ठीक है सिर्फ आप लोगों के लिए अब जो ये भाग रहे हैं ना इनके वो लोग ये नहीं समझते पुलिस वाले यही समझ ज़ूम कर वो कहां जा रहे हैं वो देखो देखो ज़ूम करके रख भाई लट्ठे है उनके पास ज़ूम करके रख लट्ठे ना तो अपने कोई दिक्कत नहीं है लट्ठे है तुम भाग रहे छुप रहे साले तुम्हारे पास लट होगा भाई हमारे पास जो चीज है ना बाबा भाई नुकसान हुआ है गाड़ी में बहुत भयंकर नुकसान हुआ है लाइटें फूट गई दीपक पास में ला कैमरा ये सारी चीजों के लिए ना मैंने नुकसान भुगता है ना तो समझ में आना चाहिए सारी चीजें ये देख रहा हूँ मैं बाबा ये देख देख ये देख सब तोड़ा भाई वाह यार इधर देख इधर ये देख ये लाइट और ये देख ये देख भाई सब कुछ टूट गया कोई दिक्कत नहीं है पर इनका सामना आना जरूरी है भाई यार बाकी सब चल रहे नुकसान हुआ गाड़ी में जितना नुकसान हुआ पीछे हुआ है स्क्रेचेस लाइटिंग टूटना और सारी चीजें हुई है दीपक ये तो चलेगा बाबा लेकिन ये 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 देख पूरी लाइट टूट गई भाई पूरी लाइट सूर्या यार इस जगह मैं बोलने लायक नहीं हूँ पर जो रिस्क मैं ले रहा हूँ ना वो सारी चीज समझने की कोशिश करना एक बार कि मैं किसके लिए रिस्क ले रहा हूँ
आम जनता जो है यहाँ से निकलने वाला है वो परेशान नहीं हो, इसके लिए मैं सारी रिस्क ले रहा हूँ भाई। मेरे पास है इतना दम कि मैं सारी चीजें भुगत सकता हूँ, पर एक आम इंसान जो यहाँ से निकलता है ना वो नहीं भुगत सकता है भाई। कितने लोगों के साथ ये होता होगा, कितने लोगों के साथ ये होता होगा ये सोच। आज अपन आए, आज अपन आए, आज हम क्यों आए, ये सारी चीजें इधर 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 है। ये जो अंडे दिख रहे हैं भाई आप लोगों को, ये अंडे दिख रहे हैं आप लोगों को भाई। अब जो हुआ है ऊपर तक है भाई, पूरे ऊपर देखो भाई, अंडा गैंग नाम भाई, भयंकर वाली चीजें हैं इनके साथ में। दीपक तू गाड़ी में बैठ, यहाँ से निकलते हैं, बाकी चीजें आगे जाके भाई। ये देख ये अंडे देख, ये अंडे का इंसान देख भाई। भाई मेरे को सब दिख रहा है यार, सब दिख रहा है मेरे को। ऐसी चीजें भाई सब हम खाते नहीं है भाई, हम नहीं खाते, नहीं खाते, नहीं करते बिल्कुल, ये सेन नहीं करते बाबा। लेकिन ये देखो ये चीज इसके लिए है ना, आप लोगों के लिए है। अंडे देखो कितने अंडे मारे हुए हैं, देखो भाई बाड़ में अंडे। गाड़ी में नहीं बैठने भाई, गाड़ी में बैठ दो, सारी चीजें सेन कर लूंगा। हम दोनों सेफ है तो सारी चीजें सेफ है, लेकिन मैं ना लोगों को बताना देना चाहता हूँ कि भाई ना आज भी ऐसी चीजें है जिंदगी में, जो लोग बोलते ना स्क्रिप्टेड है फेक है, उन लोगों के सामने सच्चाई लेकर के आया हूँ भाई। जो बोलते ना भाई, बोलने वाले आज मेरे सामने आओ साला, छाती में गोली मारूंगा तुम लोगों में। गोली नहीं भाई, आओ सामने, हम लाएंगे लोकेशन पे, छाती ठोक के बोलता हूँ, लोकेशन लेके आएंगे, छाती ठोक के बोलता हूँ, जिस लोकेशन बोलेंगे उस लोकेशन लेके जाएंगे भाई। ये जगह समझ लिया साला, हर एक लोकेशन को हलवा समझ के रखा है, कुछ भी बोल देते हैं, मुंह से निकलता कुछ भी बोल देते हैं भाई। नुकसान होता है ना हम फील करते हैं, जो उस टाइम पे 8% टाइम पे जो होता है ना वो हमारे साथ होता है, ना कि देखने वालों के साथ में। जिंदगी की हकीकत सब जब सब सामने जब क्या बोलते हैं ना, सामने लोगों के सामने आती है ना तब पता चलता है बाबा, तब पता चलता है भाई ना, आतड़े ऐसे ऐसे चलते हैं अंदर से, जब सामने कुछ होता है ना ऐसा तब चड्डी गिरी हो जाती है लोगों की, चड्डी फोड़ के रख दूंगा भाई उस जगह पे। छोड़ भाई, टट्टी हो जाएगी टट्टी, सीधी सी बात है, समझते नहीं है लोग बस भाई। एक दिन होता है, एक दिन छोड़ो, 5 मिनट होता है चैनल क्रिएट किए हुए और फेक कमेंट कर देते हैं, फेक कमेंट, सिर्फ फेक कमेंट करने के लिए चैनल क्रिएट करते लोग बाग, हद होती है साला चीज की। साला इतनी हद जब हम करने लग गए ना तो साला तुम्हारी टट्टी छोड़ो कुछ निकलने लायक नहीं बचोगे तुम। सर्दी में ना, सर्दी में ये गर्मी का एहसास हो रहा बाबा, क्यों होता है भाई आज ऐसी लोकेशन में ऐसी चीज होती है, जब ये पड़ते हैं ना सामने तब पता चलता है कि कैसे जगह पे सामने करना पड़ता है भाई। हम है ना, हम मजाक वाली बात नहीं है, अभी बोल देता हूँ मजाक वाली चीज नहीं है सारी चीजें। मैंने शुरू में जब एंटर हुआ था ना तभी मेरे में इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं सामना कर सकता हूँ, जितना नुकसान होगा वो भुगत सकता हूँ मैं, इतना कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर भाई। सामना करते कर सकते तभी तो यहाँ आए हैं, आते ही नहीं है, आते ही नहीं है। जो मुंह से बोलने वाले होते ना वो कुछ नहीं करते।